दाना के लिए कुछ काटने गए थे, कुछ काट चुके थे वो लोग। आने का समय हुआ था तो उसके साथ में एक लड़का था पांडे और मेरे हस्बैंड था प्रभु सहांस, दोनों थे। तो हाथी पांडे को दौड़ाया था, पकड़ों में आ गया मेरे हस्बैंड को पटक के मार दिया हाथी ने। शाम 6 बजे घर लौट रहे थे तब अचानक कोलावड़ी फॉरेस्ट से एक जंगली हाथी ने उन पर हमला किया, मगर प्रभु गिर पड़ा। तब हाथी ने उसको पकड़कर जमीन पर रौंद डाला, उसका दोस्त शंकर बच गया। हम लोग कुछ घंटा गए था बगान में, हाथी उधर से आया कि हम बोला कि साथी को कि चलो भागो, हाथी आया बोल के हम उसको देखने नहीं पाया, हम चला गया इधर बीटा इस तरफ भाग के मार दिया था, चोट लग गया था। समुदाय के लोग और परिवार के लोग चाहते हैं वन्य प्राणी द्वारा किया गया क्षति का क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी योजना के तहत जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाए। अब मेरे लिए सरकार क्या कर रहा है, मेरे बच्चे सबको कैसे पढ़ाऊं और मेरे बच्चे सबको काम करके मैं कैसे खिलाऊं, ये तो सरकार के हाथ में है। मेरे बच्चे के लिए तो डिमांड चाहिए नौकरी के लिए मेरे को। मैं प्रभु साई की लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारे फैमिली के लिए किसी तरह का कोई भी हेल्प मिले। इस बारे में जब मैंने स्थानीय कोलावड़ी फॉरेस्ट बीड से मुलाकात करने पर उन्होंने जल्द ही क्षतिपूर्ण दिलाने की बात कही है, मगर इंटरव्यू देने से इनकार किया। इसीलिए जल्द से जल्द स्थानीय वन अधिकारी प्रभु हंस साई के परिवार को क्षतिपूर्ण का मुआवजा दिलाने के लिए कोशिश करें। आम नागरिक अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए संपर्क करें। अधिकारी कोलावड़ी फॉरेस्ट बीट ऑफिसर वांगटू भुटिया, फोन 8016533395। मैं राजकुमार रिजाल, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से इंडिया अनर्ट के लिए।